अबे वो देख, छह चड्डियाँ। भाई छह चड्डी, छह चड्डी का क्या करते होंगे बे? पहनते होंगे ना बे। अबे मेरे पास तो एक ही है, वो भी मैं कभी कभी तीसरे दिन उसको पलटी पलटी पहन लेता हूँ। छी दलिद्दर। बट तू खुद सोचना कि आदमी एक और चड्डी छे। वो छह चड्डी का हिसाब पता है? छह चड्डियाँ माने सोमवार से बाकी के दिन। अबे उसके हिसाब से ये तो शनिवार तक की चड्डियाँ हुई, रविवार वाली चड्डी। अबे रविवार को तो मैं पहनता ही नहीं ना। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। वो वहाँ पे साले का खोपड़ी ओपड़ी खुल गया शायद, तो अच्छा साले आपका एम्बुलेंस यहाँ पे मिल गया। चल रहे हो ना भाई? 20,000 कहाँ? 20,000 इसको उठाने के? भाई इधर है हॉस्पिटल, उसके लिए देखो 20,000 रुपये चाहिए। अबे जमता है तो ठीक, वरना दिन के 15 एक्सीडेंट उठाता हूँ मैं, सोच ले तू। चलो चलू रे गणपति बप्पा। बिट्टू और देव, अगर हरामजदगी का ओलंपिक्स होता तो दोनों बिना प्रैक्टिस के कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो ले ही आते। लाचारों को सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। पता नहीं साली क्या निंजा टेक्निक है, लेकिन हर बार चल जाती है। ये नमूने इमरजेंसी एम्बुलेंस बोल के खाली वैन घुमाते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे बस एक स्ट्रेचर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 300%। वैसे ये काम पहली बार नेकी में किया था इन दोनों ने, उस मासूमियत वाली उम्र में। एक आदमी को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया और उस भले आदमी ने आशीर्वाद के नाते इनको शगुन के 2,000 रुपये दे दिए। बस वो दिन इनकी मासूमियत ने माहौल यू टर्न मारा और सालों को इसमें एक पोटेंशियल बिजनेस मॉडल दिख गया। बट पैसा, पैसा साला बहुत मादर चोद चीज़ है। ये ले सारे खर्चे पकड़ के, इतना बनता है तेरे, रख बस इतने। क्या हुआ भाई? अबे तेरा मेरा हिसाब तो 50-50 वाला है ना। अरे पटेल अब अपना बिजनेस ना एक्सपांड हो चुका है तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ेंगे। तुझे जमता है तो ठीक, मैंने अपने हिसाब से तो दे दिया भाई। अगर वो सारे खर्चे भी पकड़े तो भी यार ये हिसाब कुछ मुझे जम नहीं रहा। और ये सब छोड़ यार, यार अपन पार्टनर्स हैं। अबे ये पार्टनर वाली बकचोदी ना किसी और को जाके सुनाना। जब A to Z लागत मेरी तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा तो मेरा ही होगा ना। अबे बिट्टू ये क्या बोल रहे तू, पागल हो गया क्या? और इस पूरे कांड में ना मेहनत दोनों की बराबर की थी और रिस्क भी दोनों ने बराबर ने उठाया। देख भाई देव, गाड़ी का चालक मैं, चालक और मालक समझा। तेरे को जमता है तो ठीक, वरना निकल। अबे तेरे जैसे तो 50 मिलेंगे। अबे साले अपनी औकात मत भूल समझा ना। तुझे क्या लगता है कि खटारा लेके तू कोई मुकेश अंबानी बन गया? अबे ये इतना याद रख, अगर मैं नहीं होता ना तो आज भी उस कसाई खाने में साले मुर्गियां काट रहा होता तू, समझा? तू खुद आया था मेरे पास। अबे चल, अबे चल निकल साले, आज के बाद आया तो गाड़ दूंगा। आराम दूर। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे? अरे साहब नहीं, अरे साहब आपको कोई गलत फहमी हुई साहब। अबे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, जो लात मारूंगा ना तुझे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, समझा? अरे साहब सीधे साधे लोगों को चूतिया बना के नोट छाप रहा है बहुत। अरे साहब मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ साहब, मैं तो ट्रैवल्स में गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर आदमी चल तुझे जेल का टूर करा। अरे साहब पर मैंने किया क्या? किया क्या? नकली एम्बुलेंस चलाता और किया क्या? अरे साहब ले दे के सेटलमेंट करते हैं ना। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को रिश्वत देता है, समझ क्या रखा है? आप और मैं सिंधे साहब को तो जानते ही हैं, और आप और मैं तो पूरा सिस्टम का खेल जानते साहब, कुछ ले दे के सेटल करते हैं ना। Thank you.
हेलो हेलो साहब, हेलो साहब, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है साहब यहाँ। साले एक बार फोन कट किया तो तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैं ड्यूटी पे हूँ, फोन रख। साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है साहब। मैं तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे साहब मैं आपके अलावा किसको बताऊंगा साहब? गाड़ी चोरी हुई है तो जाके FIR लिखा, मैं कुछ नहीं कर सकता। FIR कहाँ से करूँ साहब, पहले क्या 4-5 लफड़े हैं साहब। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तूने वापस फोन किया ना तो तेरे घर में घुस के मारूंगा गार्ड। अरे साहब पर साहब आप जितना पैसा बोलो साहब मैं देने को रेडी हूँ साहब। साहब प्लीज मेरा गाड़ी चला। मजबूरियों का फायदा उठा उठा के तूने जो पैसे बनाए हैं ना, मुझे चूतिया मत बना समझा। अरे पर साहब भैया यह एक्सीडेंट हुआ है, बहुत खून निकल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए वरना मर जाएगा। 20,000 रुपए लगेंगे भैया। 20,000? यही पास में तो जाना है। रेट फिक्स्ड है, चलना है तो चलो वरना दिन की ऐसी 15 एक्सीडेंट उठाता हूँ मैं।